ओके हाँ हाँ ठीक है, सही मैं है। करता हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ये इतने सारे टॉपिक हैं, प्रिपरेशन ऑफ एनएसआर, लोकल परचेज, स्पॉट परचेज, टेंडर कमेटी परचेज, जेम प्रोक्योरमेंट और टाइप ऑफ द टेंडर्स, इनके बारे में हम लोग आज बैठ के बातचीत करेंगे कि ये चीज़ होती क्या है और हम लोग को कहाँ पे हेल्प करते हैं, कि इसमें क्या पावर है। ठीक है, तो किसी का माइक ऑन है, जरा अपना माइक ऑफ कर दे, बीच में वो डिस्टर्ब आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एनएसआर, एनएसआर को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, कैसे एनएसआर से खरीदारी करते हैं और एनएसआर होता क्या है। ठीक, एनएसआर, जैसा एनएसआर लिखा है, एनएसआर का फुल फॉर्म है नॉन स्टॉक रिक्विजिशन। नॉन स्टॉक रिक्विजिशन के द्वारा अगर हमको कोई खरीदारी करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे, क्या तरीका है उसका, उसी के लिए एक एक स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम अगर खरीदारी करनी है तो सबसे पहले हम प्रपोजल बनाएंगे किसी भी आइटम को खरीदने के लिए, क्यों खरीदना चाहते हैं, क्या रीज़न है, जस्टिफिकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, पहले कैसे काम चल रहा था, ये सब चीज़ें उसके अंदर बताते हुए आप पहले एक प्रपोजल तैयार करेंगे। प्रपोजल तैयार करने के बाद उसके ऊपर में आप अपने कंपिटेंट ऑफिसर का अप्रूवल लेंगे। कंपिटेंट ऑफिसर कौन हो सकता है, वो एसओपी क्या कहता है उसके अनुसार आपको तय करना है। कहीं कहीं पावर आपके जेएजी को मिली है, कहीं सिलेक्शन ग्रेड को पावर है, कहीं एसएजी को ही पावर है किसी आइटम को खरीदने के लिए। तो एज पर एसओपी, एसओपी मींस शेड्यूल ऑफ पावर, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई गई गाइडलाइन है किसी भी प्रोक्योरमेंट को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, या कितनी वित्तीय पावर किस अधिकारी को, वो पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार वाला आइटम खरीदने के लिए जिसका प्रपोजल आपने बनाया है वो किस अधिकारी के पावर के अंतर्गत आता है, उसका आप उसके ऊपर में अप्रूवल ले लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद अगर फाइनेंस एसओपी कहता है कि फाइनेंस कंक्लेरेंस लेना है तो फाइनेंस कंक्लेरेंस आपको लेना होगा। ठीक है, फाइनेंस कंक्लेरेंस का मतलब क्या हुआ, वित्तीय सहमति। अभी इसके बारे में दो दो लाइन और आगे बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वित्तीय सहमति आपको मिल जाती है, वित्तीय सहमति मिलने के बाद उसके बाद आप एनएसआर फॉर्म भरते हैं। एनएसआर फॉर्म है S1302 करके उसका फॉर्म नंबर है, उसको आप भरेंगे, उसके अंदर पूरा डिटेल लिखेंगे क्या क्या उसके अंदर में आइटम चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, डिटेल उसके अंदर लिखेंगे। एनएसआर ऑफ फर्नीचर टू बी मेड आफ्टर फाइनेंस कंक्लेरेंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। एसओपी कहता है कि फर्नीचर का एनएसआर आपको फाइनेंस कंक्लेरेंस के बाद ही बनाना है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। और इसमें फर्नीचर खरीदने के लिए एसओपी पैरा भी यही कहता है कि आपको कंक्लेरेंस लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो, एक कुर्सी खरीद रहे हो या पूरा हॉल भर का फर्नीचर खरीदा जा रहा हो, सबके लिए आपको एक कंक्लेरेंस लेना ही पड़ेगा। उसके बाद एनएसआर भरते हैं। एनएसआर में क्या क्या भरते हैं, एनएसआर के अंदर में आप इंडेंटर, कंसाइनी कौन खरीद रहा है, कंसाइनी कौन होगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, नॉमिनक्लेचर नंबर क्या है उसका, नॉमिनक्लेचर नंबर क्या है इसका मतलब क्या है भी बताते हैं, इसका मटेरियल रिक्वायर्ड कहाँ पे है, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। ठीक है, क्वांटिटी वर्ड में, एलोकेशन हेड क्या है उसका, और परचेज लास्ट में कब किया गया था, वैल्यू, ये सब उसके अंदर डिटेल भरना पड़ता है। अब इसके अंदर में आता है कि नॉमिनक्लेचर नंबर क्या है। नॉमिनक्लेचर नंबर से तात्पर्य उसका है कि एक मान लिया कोई आइटम खरीदना है, अब एसओपी में या स्टोर बुक में या एसओपी स्टोर कोड में ऐसा नहीं है कि एक एक आइटम का नाम पर्टिकुलर लिखने के बाद लिखा गया कि आइटम कौन कौन खरीदा है, कैसे खरीदा जाएगा। इसमें कई आइटम्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसको जनरलाइज कर दिया जाता है कि इस तरह का आइटम खरीदना है, तो हर इस एक ग्रुप को एक नंबर दे दिया जाता है, उसको नॉमिनक्लेचर नंबर कहा जाता है। जिसका कि एक एग्जाम्पल ये है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ ट्रेड ग्रुप्स, यहाँ पे ट्रेड ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे देखिए, लाइट सीआई कास्टिंग इंक्लूडिंग मशीनिंग अप टू 50 kg, मीडियम सीआई कास्टिंग अप टू 1000 kg। तो ये इस तरह के ग्रुप बनाए गए हैं हर आइटम, हर ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए। हैवी प्लेट वर्क करना है तो उसके लिए कौन सा ग्रुप, और इनके साथ में एक यहाँ नंबर दे दिया गया कि इस नंबर से ये डिनोट करेगा। इसी तरीके से मान लिया कंप्यूटर खरीदना है तो कहीं एसओपी में स्पेशल कंप्यूटर खरीद के नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रिलेटिंग टू मशीन्स या रिलेटिंग टू ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो आइटम खरीद रहे हैं वो किस ग्रुप में आएगा, ये आपको चूज करके ये नॉमिनेशन नंबर उसके अंदर डालना पड़ेगा। और इस नंबर के बाद में ये तय हो जाता है कि वो आपका कौन सा स्टोर का कौन सा डिपार्टमेंट आपका खरीदेगा। जैसा UP5 और UP7 होते हैं हमारे खरीदने के लिए,
यूनिट परचेज ग्रुप, यूनिट परचेज 7। तो ट्रेड ग्रुप जो है नंबर 15, जो 5 से लेकर 67, 70, 76, 90 और 85, 86 और 91 से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, वो UP5 खरीदेगा और 40, 47, 50 ये इस तरह से है तो ये सब आपके UP7 खरीदेगा। तो इससे ही आपका क्लियर हो जाता है कि आपका कौन सा यूनिट परचेज सेक्शन आपका खरीदने वाला, UP5 खरीदेगा, UP7 खरीदेगा। तो इस तरीके से आपका ये नॉमिनक्लेचर नंबर क्लियर होता है। और इसके बाद आता है साइन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद NSR पे साइन कंपिटेंट अथॉरिटी करेगा, ठीक है। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? कंपिटेंट अथॉरिटी आपकी, जरूरी नहीं कि जिसने अप्रूवल दिया था वही होगा। साइन NSR पे साइन करने की पावर अलग है और किसी आइटम को खरीदने की परमिशन देने की पावर वो अलग है। इसके बारे में कंपिटेंट अथॉरिटी के लिए कितनी कौन सी पावर हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। अभी पहले हम देख लेते हैं कि NSR, जो NSR हमने भरा है, NSR किस तरह का दिखता है। NSR हमारा भरने के बाद, ये पेपर वाली बात कर रहा हूँ मैं भी, इस तरह से NSR भरा जाता है। आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्म नंबर S1302 लिखा हुआ है, इंडेंटर, कंसाइनी, कंसाइनी कोड, रिक्विजिशन नंबर, डेट, विवरण और ये नॉमिनेशन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 6579 लिखा जा सके यहाँ पे। ये आइटम मशीन का इस ग्रुप में मंगा रहे थे, कहाँ ज़रूरत है, कौन खरीदेगा, कितने नंबर शब्दों में, अंकों में, शब्दों में, एलोकेशन हेड क्या है, किस हेड से इसका खर्चा होगा, पर्पज़ क्या है, पुरानी खरीद का ब्यौरा क्या है और निधि उपलब्ध, कंसोलिडेशन, ये सारे के सारे इसके ऊपर में साइन वगैरह कराने पड़ेंगे। वेंडर कौन कौन दे सकते हैं, अब तो खैर ओपन टेंडर होता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और साथ के साथ में स्टॉक नॉन स्टॉक सर्टिफिकेशन भी कराना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग NSR भरते हैं। ये NSR कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात कर रहे थे NSR पे साइन करने वाली बात, साइन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। कौन कौन अथॉरिटी हो सकती है? जूनियर स्केल ऑफिसर 25,000 रुपये तक के NSR पे साइन करने के लिए एंटाइटल किया गया है। पहले ये पावर 15,000 में थी, अब जरूरी नहीं है कि 25,000 का आइटम खरीदने के लिए 25,000 की पावर जूनियर स्केल को मिलेगी, नहीं। पावर सेंक्शन करने की वो अलग चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और NSR पे साइन करने की पावर ये अलग है। NSR पे केवल साइन 25,000 तक के लिए, जरूरी नहीं कि JG के पास जाना पड़ेगा, SG के पास जाना पड़ेगा, ये 25,000 की NSR पे जूनियर स्केल साइन करेगा। सीनियर स्केल आपके 25,000 2 लाख के NSR पे साइन कर सकते हैं, और JG या सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर आपके 2 लाख से 15 लाख तक के पावर NSR पे साइन कर सकते हैं, और SAG आपके 15 से 45 लाख के NSR पे साइन करेंगे, और 45 लाख के ऊपर के साइन NSR पे साइन करेंगे आपके PHOD या CHOD। पहले पावर काफ़ी कम थी, ये पावर क्रम से 15,000 से 75,000, 75,000 से 3 लाख और 3 लाख से 15 लाख तक होती थी। अभी क्या है, हमारा अधिकतर काम ये JG वाली पावर में ही हो जाता है, 2 से 15 लाख हो गई, 15 लाख से ज़्यादा का आइटम हम लोग जनरली नहीं मंगाते हैं, या फिर जाता है तो मशीन वगैरह खरीदनी पड़ती है तो MNP प्रोग्राम में जाकर हम डलवाते हैं। तो ये हमारे NSR पे साइन करने की पावर है, ठीक है। जब हमने NSR पे साइन करवा दिया, साइन कराने के बाद हम नॉन स्टॉक सर्टिफिकेशन कराएंगे। नॉन स्टॉक सर्टिफिकेशन क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो आइटम आप खरीद रहे हैं वो नॉन स्टॉक है, ये कौन वेरीफाई करेगा, ये कौन सर्टिफाई करेगा? ये आपका स्टोर डिपार्टमेंट सर्टिफाई करेगा, दिस इज आइटम इज नॉन स्टॉक आइटम, ये हमारे स्टॉक में नहीं है, ये कराना आवश्यक है। या हो ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि आइटम स्टॉक आइटम है और आप उसको नॉन स्टॉक के तरीके से खरीदने की कोशिश करें, तो उससे बचने के लिए आपको नॉन स्टॉक सर्टिफाई कराना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है कि श्योर करना पड़ता है कि दिस इज आइटम नॉन स्टॉक आइटम। तो नॉन स्टॉक सर्टिफिकेशन कई मोहर लग जाती है NSR के पीछे में, और वो लिख देता है कि हाँ दिस इज आइटम नॉन स्टॉक आइटम। इसके बाद हम वेटिंग कराते हैं NSR का। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है वेटिंग। अब ये वेटिंग क्या होता है? इससे पहले एक वर्ड आया था फाइनेंस कंकरेंस। फाइनेंस कंकरेंस और वेटिंग, इन दोनों में क्या अंतर है? कैन एनीवन टेल मी, क्या कोई बता सकता है कि दोनों में अंतर क्या है? फाइनेंस कंकरेंस और वेटिंग, कोई बता सकते हैं? वेटिंग सर कैलकुलेशन को करते हैं और कंकरेंस जो है सर सहमति देते हैं सर। हाँ सहमति देते, सही बात है। फाइनेंस कंकरेंस का मतलब हो गया वित्तीय सहमति, हिंदी में अगर उसको कहते हैं तो। वित्तीय सहमति का मतलब ये हो गया कि आपको आपके अकाउंट डिपार्टमेंट को या जो कंकरेंस देते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट हमारा, उसको इंश्योर करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि आइटम हमको क्यों जरूरी है, इसको खरीदने के में क्यों जरूरत पड़ रही है, इसके बगैर क्यों काम चल रहा था। वो आप प्रपोजल जब बनाते हैं, प्रपोजल आप अकाउंट में भेजते हैं कंकरेंस के लिए, वो आपसे सवाल जवाब करता है बार बार
इसको क्यों आवश्यकता है, पहले कैसे काम हो रहा था, और इसके बगैर काम नहीं चलेगा क्या, बाहर से नहीं खरीद सकते क्या, यही क्यों खरीद रहे हो, दूसरा क्यों नहीं खरीद रहे हो, और कहीं और फैसिलिटी है क्या, ये इस तरह के तमाम सवाल जवाब करते हैं। जब आप उनको सेटिस्फाइड कर देते हैं अपने आंसर्स से, तो वो उसको कन्विंस देते हैं, हाँ ठीक है आप इसको खरीद सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ लगाते हैं निश्चित तौर पर। शर्त भी उनकी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है, भाई फंड होना चाहिए और कंपिटेंट ऑफिसर का साइन ले लेना चाहिए, इस तरह की शर्तें रहती है। जब आप कर लेते हैं ये कंक्रेंस हो गया। और वेटिंग आपका एनएसआर का वेटिंग होता है, कंक्रेंस प्रपोजल का होता है, वेटिंग एनएसआर का होता है। जब आप एनएसआर बना लेते हैं तो उसके अंदर में जो आपने लिखा है, जो पूरी कहानी लिखी है, इज इट ओके, कैलकुलेशन आपका ठीक है इसके अंदर में, क्वान्टिटी से जो आपने बीक्यू लिया था वो वैल्यू सही लिखी गई इसमें, कितने क्वान्टिटी मंगा रहे मल्टीप्लाई सही किया है, तो ये सब एनएसआर के वेटिंग के लिए होता है। जब कंक्रेंस हो जाता है तो वेटिंग भी आराम से हो जाता है, वेटिंग में कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है, तो ये दोनों में अंतर आता है। अब वेटिंग किस एनएसआर का आप करेंगे, कितने वैल्यू के एनएसआर का करेंगे, वो यहाँ पे है। जब आप सेफ्टी आइटम खरीदते हैं तो आप 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा का आइटम आप सेफ्टी आइटम खरीद रहे हैं, तब उस केस में आपको वेटिंग की आवश्यकता पड़ती है। और अगर नॉन सेफ्टी आइटम है और वो 2.5 लाख रुपए से कम का है, तो वेटिंग की आवश्यकता नहीं है। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा अगर आइटम है नॉन सेफ्टी आइटम, तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है वेटिंग कराने की। पहले ही वैल्यू 5 लाख रुपए की थी, लेकिन उसके बाद रिवाइज करके इसको 10 लाख कर दिया, लेकिन ये लेकिन सेफ्टी आइटम के लिए ही है, नॉन सेफ्टी के लिए वही की वही अभी भी रखी हुई है लिमिट। ये करने के बाद आप इसको भेज देते हैं ओएस बजट में, जो हमारा मैकेनिकल ऑफिस है, बजट का करता धरता वही है, फंड अवेलेबिलिटी के लिए आपके पास भेजेंगे, वो फंड अवेलेबिलिटी की मोहर लगा देंगे, हाँ फंड मेरे पास अवेलेबल है, खरीदाई की जा सकती है। उसके बाद उसको MMIS पे अपलोड करते हैं। अब तो ये हो गया कि IRPS पे ही सीधे उसको NSR को बना के भिजवाना पड़ता है, अब MIS का भी चक्कर नहीं है, अब तो सीधे IRPS पे अपलोड करते हैं NSR को, बनाते हैं वहीं बनाते हैं उसी में से अपलोड करते हैं, और उसके बाद इसको स्टोर सेक्शन को सेंड कर देते हैं, वो वहाँ से टेंडर इंक्वायरी करवाते हैं, ऑफर लेते हैं, टेबुलेशन करते हैं, टेबुलेशन करने के बाद वो फिर वापस आपको यानी कि इंडेंटर को वापस कर देते हैं टेक्निकल कमेंट के लिए। टेक्निकल कमेंट में आपको बताना पड़ता है कि कौन सा ऑफर सूटेबल है और क्यों सूटेबल है और क्यों सूटेबल नहीं है। अगर आप L1 को बाईपास कर रहे हैं तो क्यों बाईपास कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो सब रीज़न उसके अंदर लिख के आपको टेक्निकल सूटेबिलिटी देनी पड़ती है, टेक्निकल कमेंट लिखने पड़ते हैं कि हाँ कौन सा इसमें सूटेबल है नहीं है। इसके बाद NSR वापस कर दिया जाता है परचेजिंग के लिए स्टोर को, परचेजिंग के लिए वो जब आपके कमेंट से संतुष्ट हो जाते हैं वो फिर परचेज ऑर्डर जारी कर देते हैं, परचेज ऑर्डर जारी कर देते हैं, आइटम आपके पास आता है, आप इंस्पेक्शन इंडेंटर या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इंस्पेक्शन होने के होने ओके होने के बाद उसका पेमेंट हो जाता है और आइटम आपके पास खरीदारी करके आ जाता है। तो ये आपका NSR के द्वारा खरीदारी करने का तरीका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोकल परचेज। लोकल परचेज में क्या खरीदारी करते हैं, कैसे खरीदारी करते हैं, लोकल परचेज में किन ऑफिसर्स को क्या पावर है, इसके बारे में बात करते हैं। लोकल परचेज स्टोर कोड पैरा S711 के अनुसार काम करता है। इसके अंतर्गत में COS को या PCMM को, इन सबको 1 लाख रुपए तक की पावर है स्टॉक और नॉन स्टॉक आइटम खरीदने के लिए पर केस। परचेज आर मेड ओनली वेयर, कब आपको परचेज करना है लोकल परचेज, जब आपका आइटम रिक्वायरमेंट क्वांटिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की ना हो। अगर ज़्यादा की है तो आप लोकल परचेज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए टेंडर प्रोसेस करना पड़ेगा जिस तरह से आप बाकी तरीका करते हैं। दूसरा, आइटम जो आपका स्टॉक आइटम था वो लापरवाही के कारण प्रीक्रियसली लो हो गया है, कम हो गया है और आपका ट्रेन रनिंग अफेक्ट हो रही है, उससे इनकम अफेक्ट हो रही है, तो आपको लोकल परचेज करना पड़ेगा, वो भी लेकिन पावर 1 लाख रुपए तक की ही होती है। क्वांटिटी डज नॉट डिलिबरेटली रिड्यूस विद इन द व्यू ऑफ द ब्रिंगिंग द परचेज विद इन द स्कोप ऑफ दिस प्रोविजन। अब कोई चाहता है कि यार बाकी प्रोसेस में बड़ा लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है, इसलिए क्वांटिटी को इतना कम कर दो कि लोकल परचेज ही हम लोग करते रहें, तो वैसा नहीं करना है, वो तरीका गलत है खरीदारी करने का। ये केवल और केवल इमरजेंसी के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, इसको आदत में या इसको जनरलाइज नहीं किया जाता है। इसको आपको केवल उसी टाइम यूज़ करना है जब आपका आइटम प्रीक्रियसली लो हो गया है या बहुत अर्जेंसी है किसी आइटम की, ठीक है। और ख़रीदारी करने से पहले ऑफिसर्स को या सुपरवाइजर्स को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसके रेट के बारे में, कि हाँ ये रेट जिस पे आएगा वो आइटम रेट सही है या नहीं है। लोकल परचेज के लिए सिंगल कोटेशन की पावर 25,000 रुपये है।
अगर आप कोई आइटम खरीद रहे हैं सिंगल कोटेशन पर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके पास 25,000, 25,000 रुपये तक का आइटम सिंगल कोटेशन पर आप मंगा सकते हैं लोकल परचेज में। SAG और डिप्टी CMD ये एक सिंगल कोटेशन की एक्सरसाइज करेंगे केवल 25,000 रुपये तक के लिए, और SMMD केवल 10,000 रुपये तक के लिए करेंगे। पावर 25 जाएगी जरूर है, लेकिन वो SAG या डिप्टी CMM की पावर है, SAG या JAG की पावर 25,000 तक की है। सीनियर स्केल लेवल पे पावर 10,000 रुपये तक की है, उसके लिए सिंगल कोटेशन पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फॉर आइटम कॉस्टिंग ओवर 25,000 कोटेशन फ्रॉम मोर देन वन फर्म शुड बी ऑब्टेन एंड प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ सच कोटेशन टू बी मेंटेन्ड। अगर कोई आइटम 25,000 रुपये तक से ज़्यादा का है तो उसके लिए आपको कम से कम 3 कोटेशन आप उसके लिए मंगाइए, और रेट का कंपेरिजन करिए किस आइटम पे किसका रेट कम है, उससे खरीदारी करिए। इन सब का रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कौन सी कोटेशन मंगाई गई है, कहाँ से मंगाई गई, कब मंगाई गई है, टेबुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, PAC आइटम के लिए और स्पेयर आइटम के लिए, एमएनपी आइटम के लिए, इनके लिए OEM ऑथराइज है आपके 20,000 रुपये तक आइटम देने के लिए। ठीक है, OEM साहब 20,000 रुपये तक का आइटम PAC आइटम खरीद सकते हैं सिंगल कोटेशन पे। और करंट रेट कोटेड शुड इनवेरेबली बी कंपेयर्ड विद द लास्ट परचेज रेट्स एंड एनी लार्ज डिफरेंस चेक अप बिफोर मेकिंग लोकल परचेज। जैसे मैं पहले भी कहा था कि आपको रेट का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा रेट के अंतर में अंतर नहीं होना चाहिए किसी भी आइटम को खरीदने के लिए। अगर रेट में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो उसका रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आइटम में अंतर आ रहा है। बता सकते हैं आप महंगाई बढ़ गई है, इतना अगर 2-3 साल बाद या 4 साल बाद आप कोई आइटम खरीद रहे हैं तो बता सकते हैं कि हर साल में इतनी महंगाई दर बढ़ गई है इसलिए आइटम का रेट बढ़ गया है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, तो ये सब चीज़ों की वजह से आइटम की कीमत ज़्यादा हो गई है, रेट का जो रीज़न आप बताना चाहें आपको बताना पड़ेगा डिफरेंस के लिए। इस तरह से आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। कुछ आइटम्स प्रोहिबिटेड होते हैं, आइटम खरीदना नहीं है लोकल परचेज के थ्रू, वैसे तो खरीदना है। डेलीगेशन ऑफ परचेज पावर टू ऑफिसर्स एंड डिविजनल स्टोर्स इज एक्सक्लूसिव ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो आप लोकल परचेज में नहीं खरीद सकते हैं? वो आइटम आपके आइटम है, ये मोटरसाइकिल है, स्कूटर, मोपेड, मोटर बाइक, स्पोर्ट्स साइकिल्स, सेलुलर फोन, VCR, VCP, PAC आइटम अदर देन MNP स्पेयर्स, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेंसिल कटिंग मशीन्स, ये सब आप इस तरह के आइटम हैं जो कि आप, ये कुछ इमरजेंसी नेचर के आइटम नहीं हैं इसलिए इनको लोकल परचेज में नहीं खरीद सकते आप। लेकिन कुछ आइटम आपके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जिनको आप DRM या PSM की परमिशन के बाद खरीद सकते हैं। वो कौन से आइटम होते हैं? वो आइटम होते हैं टेलीफोन, कॉर्डलेस फोन, डिक्टा फोन, जीरोक्स मशीन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्निशिंग, कारपेट, वुलन फर्नीचर, टेबल, चेयर्स, रैक्स, बुक शेल्फ, सोफा, स्टील्स। ये सब आइटम आप, मतलब इमरजेंसी नहीं है, नॉन इमरजेंसी भी नहीं है, मीडियम अर्जेंसी के आइटम हैं ये, कि अगर आपको फैक्स मशीन अगर चाहिए तो आज नहीं तो कल मिल जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन अगर 2 महीने बाद मिले तो काम चलना मुश्किल है। उस तरह के आइटम है जिनको आप DRM और PCMM की परमिशन के बाद आप खरीद सकते हैं, ये आपके प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, सॉरी रेस्ट्रिक्टेड। अब परचेज की पावर कितनी कितनी होती है आप देखेंगे, हेडक्वार्टर डिवीजन में 1-1 लाख रुपए तक की पावर है सभी को, CEO, CMM, DTCM, AM के लिए, और डिपो में इंडिपेंडेंट चार्ज अगर है तो 1 लाख रुपए तक की पावर मिलेगी ऑफिसर्स को, नहीं तो सीनियर स्केल, जूनियर स्केल को पावर को 50,000 रुपये तक पर केस की पावर डिपो में मिलती है अगर इंडिपेंडेंट चार्ज में नहीं है तो। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टोर के लिए। अब स्टोर के अलावा भी अगर आपको कोई आइटम खरीदना है कि आप चाहते हैं कि हम खुद खरीदना चाहते हैं कुछ आइटम लोकल परचेज में, तो उसके लिए कितनी पावर, उसके लिए भी अदर डिपार्टमेंट को कुछ पावर दी गई है। पहले पावर नहीं दी थी रेलवे बोर्ड ने, लेकिन DLW ने ये पावर पहले से दे रखी थी अपने ऑफिसर्स को, तो DLW की रिक्वेस्ट पे ये SOP में मॉडिफाई किया गया और मॉडल SOP में इसको फिर ऐड किया गया है। तो ये लोकल परचेज बाई ऑफिसर्स अदर देन डिपार्टमेंट, सॉरी अदर डिपार्टमेंट, व्हेन मटेरियल स्टॉक नॉन स्टॉक इज आउट ऑफ स्टॉक, ये कुछ आइटम्स हैं। जैसे अगर इसमें देखेंगे आप, ए लोकल परचेज ऑफ स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम अदर देन RC आइटम एंड स्टेशनरी स्टोर सब्जेक्टेड टू सेलिंग लिमिट ऑफ ₹50,000 पर डिपार्टमेंट। ये कुछ स्टेशनरी आइटम है जो 50,000 रुपये तक पर ईयर की सीलिंग लिमिट के साथ में आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपके पावर है JG को 5,000 रुपये पर केस के लिए, SAG को 10,000 की, और PHOD और CHOD को 15,000 पर केस की पावर है, लेकिन साल भर की पावर 50,000 की है, और सीनियर स्केल पावर को 1,000 रुपये की पावर पर केस के लिए है।
ठीक है, ये आपके हो जाते हैं क्या बोलते हैं उसके लिए स्टेशनरी आइटम्स के लिए, लेकिन एनुअल सेलिंग लिमिट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू M&P स्पेयर्स एंड टूलिंग। ठीक है, अगर कोई आप M&P आइटम खरीद रहे हैं या टूलिंग आइटम खरीद रहे हैं तो उस केस में 50,000 की पावर आपकी लागू नहीं होती है। आप ये तीन कोटेशन पे आइटम अपने आप मंगा सकते हैं, JG 5,000 तक का आइटम मंगा सकते हैं अपने आप से अर्जेंसी में तुरंत, और SAG 10,000 रुपये का आइटम मंगा सकते हैं। स्टेशनरी में आपकी 50,000 की लिमिट है और M&P आइटम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी इतने इतने आइटम का पैसा आप मंगा सकते हैं। इसी तरीके से इसी का बी पार्ट है, लोकल परचेज ऑफ स्टेशनरी इंक्लूडेड प्रिंटेड फॉर्म सब्जेक्ट टू सेलिंग लिमिट 20,000 पर NM ई डिपार्टमेंट। अगर आपको कुछ स्टेशनरी प्रिंटेड स्टेशनरी अगर मंगानी है तो उसके लिए केवल 20,000 रुपये पर NM की पावर की लिमिट बनाई गई है, जिसमें कि पावर JG को 5,000, SAG को 10,000 और PHOD को 15,000 की पावर एक बार में दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि JG साल में 4 बार ही कोई आइटम मंगा सकते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट वाला, क्योंकि सेलिंग लिमिट 20,000 की दी गई है। तो ये आपके अदर डिपार्टमेंट के लिए खरीदारी की पावर दी गई है, कितना आइटम आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर नहीं है तो फिर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जल्दी इसको ख़त्म भी किया जाए। हाँ सर, आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। अब बात कर लेते हैं हम स्पॉट परचेज के बारे में। स्पॉट परचेज क्या होता है? स्पॉट परचेज, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, स्पॉट परचेज, स्पॉट पे जाके परचेज करना। स्पॉट पे जाके परचेज करना मतलब दुकान पे जाके परचेज करना। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या लिमिट है, हम देख लेते हैं, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ओकेजन्स टू परचेज मटेरियल ऑन द स्पॉट विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल टेंडरिंग सिस्टम बट बाई कॉलिंग ऑफर्स थ्रू फिजिकल विजिट ऑफ द फर्म प्रीमाइसिस बाई द नोमिनेटेड ऑफिसर्स। यानी कि जो टेंडरिंग प्रोसेस है, फॉर्मल टेंडरिंग प्रोसेस है, कोटेशन कॉल करके डाक से और टेंडर निकाल के, उसको फॉलो ना करते हुए आप फिजिकली फर्म के विजिट करते हुए वहाँ जाके कोटेशन लेते हैं, वहाँ से ऑफर लेते हैं, इस तरीके से खरीदारी करने को हम लोग कहते हैं स्पॉट परचेज। दिस मोड ऑफ परचेज इज कॉमनली नोन एज स्पॉट परचेज। अब स्पॉट परचेज में कैसे कैसे क्या क्या होता है? स्टॉक आइटम में स्पॉट परचेज करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि अगर खरीदारी कर रही है स्पॉट परचेज, नॉन स्टॉक और स्टॉक दोनों आइटम की खरीदारी करनी है तो कैसे करेंगे, क्या उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं? द मटेरियल इज आउट ऑफ स्टॉक विच इज अफेक्टिंग ट्रेन ऑपरेशंस अर्निंग ऑफ रेलवेज। वही चीज़ जो लोकल परचेज की थी, लोकल परचेज की पावर 1,00,000 रुपये तक की थी केवल, यहाँ पर पावर आपकी ज़्यादा है, लेकिन रीज़न वही है कि आपके ट्रेन ऑपरेशंस को या रेलवे की अर्निंग को अफेक्ट कर रहा है, आइटम इतना आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तब आप स्टॉक आइटम को स्पॉट परचेज कर सकते हैं। सप्लाई अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर इज लाइकली टू टेक मोर टाइम्स। और जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है हमारा खरीदारी करने का, टेंडर वगैरह निकालना, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, उतना टाइम अपने पास है नहीं, तो इसलिए हम स्पॉट परचेज कर सकते हैं। दूसरा, इक्विपमेंट इज़ वेरी अर्जेंट विच कैन नॉट वेट फॉर द सप्लाई टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट द पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट सप्लाई आएगी, उतना भी इंतजार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना भी वो समय ज़्यादा ले लेगा। हो सकता है मेरा टेंडर आज ही हुआ हो और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सप्लाई देना शुरू करेगा, उतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं लोकल स्पॉट परचेज कर सकता हूँ। कितना करना है, लिमिट कितनी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कितनी लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये परचेज स्टॉक आइटम में करना है या नहीं करना है, इसके लिए सर्टिफिकेट आपके SAG ऑफिसर यूज़र डिपार्टमेंट के जारी करेंगे, हाँ भाई ये आइटम बहुत लो हो गया है, अब इसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं स्पॉट परचेज से, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आपके लोकल परचेज की पावर भी इन सफिशियंट हो रही है, आइटम ज़्यादा चाहिए, कीमत का ज़्यादा है, तो इसलिए सर्टिफिकेट जारी करेंगे SAG ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूज़र डिपार्टमेंट। ये आपकी बात करते हैं स्टॉक आइटम के लिए। इस तरह से नॉन स्टॉक आइटम के लिए क्या करेंगे, नॉन स्टॉक आइटम के लिए तो बहुत आसान है, नॉन स्टॉक आइटम तो कभी कभार मंगाना पड़ता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि डिमांड कुड नॉट बी फोर्सीन इन एडवांस। भाई सीधी बात है, नॉन स्टॉक आइटम की आप डिमांड पहले से नहीं तय कर सकते कि मुझे आइटम कब जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अचानक जरूरत पड़ गई मुझे किसी आइटम की तो वो मंगाऊंगा मैं, इसके लिए आप नॉन स्टॉक आइटम का स्पॉट परचेस आइटम मंगा सकते हैं। मटेरियल इज रिक्वायर्ड अर्जेंटली फॉर सेफ ऑपरेशन, सेफ ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पॉट परचेज से खरीद सकते हैं। वे कैश परचेज पावर इज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट, कैश परचेज की पावर सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ जा रही है, आइटम ज़्यादा वैल्यू का है, तब मैं स्पॉट परचेज कर सकता हूँ।
इमरजेंसी परचेज थ्रू फॉर्मल इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स एटसेट्रा इज लाइकली टू टेक कंसिडरेबल टाइम। वही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर नॉर्मल प्रोसेस में जाऊँगा, मुझे आइटम जल्दी चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे नॉन स्टॉक में स्पॉट परचेज कर सकता हूँ। ये रीज़न है। और क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि आइटम आपको कभी कभार जरूरत है, मुझे कभी कभार आवश्यकता पड़ती है, ओकेजनली आइटम पड़ती है, तो मैं उसको नॉन स्टॉक आइटम से ख़रीदारी कर सकता हूँ उसकी। और किसी आइटम का डिटेल स्पेसिफिकेशन बनाना प्रैक्टिसेबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। जैसे कोई आइटम हो सकता है, जैसे सोफ़ा ही है, सोफ़ा है, सोफ़ा ख़रीदना है आपने, आपने सेमिनार हॉल में डालना या कहीं मीटिंग रूम में डालना, कहीं भी डालना। अब सोफ़े का स्पेसिफिकेशन बनाना बना तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिसेबल या फिजिबल या इकोनॉमिकल नहीं है। हो सकता है जो स्पेसिफिकेशन आप बनाएं और उस कीमत का बनाएं, उससे कम कीमत में या उसी कीमत में आपको बढ़िया सोफ़ा मार्केट में जाके मिल जाए, तो उस केस में इस तरह के आइटम ख़रीदने में आपको लोग स्पॉट परचेज बड़ा हेल्प करता है। या आइटम इज कंज्यूमेबल नेचर वेयर द क्वांटिटी क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट इज रैपिडली चेंजेस, और आइटम आपका कंज्यूमेबल नेचर का है, ख़त्म हो जाता है और उसकी क्वालिटी मार्केट में लगातार चेंज होती रहती है। जैसा कुछ कटलरी ही है, मान लिया कांच के बर्तन हैं या इस तरह के बर्तन लिए गए हैं, क्योंकि टूटते फूटते रहते हैं, लेकिन मार्केट में और अच्छे आइटम आ सकते हैं, हर बार चेंज होते रहते हैं, तो उनका स्पेसिफिकेशन बनाना कोई बढ़िया बात नहीं है, या इजी नहीं है, या फिजिबल नहीं है, या प्रैक्टिसेबल भी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे आइटम को आप मार्केट में जाके छू के, देख के, और फिनिश कैसी फिनिशिंग है उसकी, ये सब आप देख सकते हैं, और तब आइटम की खरीदारी करना सही रहेगा। क्या आइटम हो सकते हैं? जैसे कि लाइक फर्नीचर, कटलरी, कारपेट, अदर फर्निशिंग आइटम्स, ये सब चीज़ें। हम लोग के यहाँ पे जब आप लोग को अगर ध्यान होगा, वक्स कैंटीन जो हमारी बनी हुई है, ये मॉडिफाई हुई थी, पूरी रिनोवेट हुई थी। पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है? अब इसके आइटम जितने भी आइटम खरीदे गए हैं, सारे के सारे आइटम स्पॉट परचेज के थ्रू खरीदे गए हैं। उस समय जब यहाँ प्रिंसिपल विवेक आचार्य साहब थे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया था और पूरे कैंटीन को रिनोवेट किया था, यहाँ तक के पतीले, कढ़ाए, बर्तन, चम्मच, थाली सभी को नया खरीदा गया था, और कैन जो किचन जो अंदर था उसको भागी तरफ शिफ्ट करके पूरा करवाया गया था। तो वहाँ पे जितना भी आइटम खरीदा गया सारा स्पॉट परचेज के थ्रू ही खरीदा गया था। अभी ये कोविड वाला सिस्टम चल रहा था, तो हॉस्टल जो हमारा है यहाँ पे TTC वाला, इसको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, डॉक्टर्स के रहने के लिए प्लेस दिया गया था। तो यहाँ जब क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, तो यहाँ के लिए जो आइटम थे, कुछ सैनिटाइज़र हैं, हैंड वॉश हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सब आइटम भी स्पॉट परचेज के थ्रू ही खरीदे गए थे। जाके देख के मार्केट में, भैया ये बढ़िया आइटम है, इसको खरीदा जाएगा। और ख़रीदने के लिए भी अकेला आदमी जाके नहीं खरीदता, इसके लिए पूरी कमेटी बनती है। कितनी कौन सी कमेटी बनती है, क्या कमेटी मेंबर होते हैं, आगे स्लाइड है, वहाँ बताते हैं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? देयर शुड बी ए नॉन स्टॉक आइटम के लिए, नॉन स्टॉक आइटम अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको इसमें प्रॉपर NSR बनाना पड़ेगा, नॉन स्टॉक रिक्वायरमेंट बनाई जाएगी। और अगर स्टॉक आइटम है आपका, तो उसके लिए इमरजेंसी रिक्वायरमेंट मेमो यानी कि ERM बनाया जाता है, या इसको कहा जाए रेड स्लिप भी कहते हैं, रेड स्लिप बनाया जाएगा। ये आइटम दोनों के दोनों, रेड स्लिप और NSR, प्रॉपर तरीके से बनाए जाएंगे। और क्वांटिटी आपको इसके लिए कम से कम रखनी है, ऐसा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी रख लें भाई, ठीक है जितना खरीद सकते हैं, चूँकि स्पॉट परचेज जा रहे हैं, एक ही बार खरीद के साल भर का आइटम लाकर खरीद के रख दे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको केवल 3 महीने तक के आइटम को ही खरीदना है, स्टॉक आइटम के केस में। नॉन स्टॉक तो चूँकि कभी कभी खरीदना, उसका तो कोई स्टॉक करना नहीं है। नॉन स्टॉक के केस में आपको केवल 3 महीने तक की रिक्वायरमेंट के आइटम को ही स्पॉट परचेज में खरीदना है, उससे ज़्यादा का नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब इसके लिए नॉन स्टॉक आइटम के लिए प्रपोजल जो बनाया जाएगा, वो जो आपका यूज़र डिपार्टमेंट है वो बनाएगा। बनाने के बाद फाइनेंस कंक्रेंस भी यूज़र डिपार्टमेंट ही लेगा, उस तरीके से बना के कि हमको क्या आइटम चाहिए, क्यों आइटम चाहिए, और इसको फाइनेंस को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि स्पॉट परचेज से क्यों खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ें। और नॉन स्टॉक आइटम के लिए आप अपनी डिमांड दे देते हैं केवल, और कंक्रेंस जो लेता है फाइनेंस कंक्रेंस, वो स्टोर डिपार्टमेंट अपने आप स्टोर से कंक्रेंस वगैरह खरीद लेगा। लेकिन इसके लिए पावर वही SAG इसके लिए सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि हाँ ये आइटम खरीदना है नहीं खरीदना। अब SAG करेंगे या JG करेंगे, उसके लिए पावर दी गई है कि कौन किस लेवल तक के आइटम को खरीद सकता है, कितनी कितनी पावर है वो आगे है।
ठीक है। अब अथॉरिटी कंपोनेंट टू अप्रूव स्पॉट परचेज, अब स्पॉट परचेज खरीदने के लिए करने के लिए क्या अथॉरिटी है, कौन कौन उसके लिए परमिशन देगा। अब फील्ड यूनिट या वर्कशॉप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे DRM में CW में है 15 लाख रुपए तक के आइटम खरीदने के लिए परमिशन दे सकते हैं, और 15 से अगर 25 लाख रुपए तक का आइटम है तो उसके लिए परमिशन चाहिए आपको PCMM या कंसर्न डिपार्टमेंट के HOD के लिए, और अगर 25 लाख रुपए से ऊपर का आइटम है तो AGM या CEO कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए परमिशन देंगे। मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परमिशन देने का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा अप्रूवल देने के लिए। तो इस लेवल पे आप अप्रूवल ले लेंगे, ले लेने के बाद खरीदारी करेंगे, ये आपका हो गया उसके लिए स्टॉक आइटम के लिए। नॉन स्टॉक के लिए क्या करना, अगर HR और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या करना है, आइटम वैल्यू अप टू रुपीज़ 25 लाख, अगर आइटम की कीमत 25 लाख रुपये तक की है तो नॉन स्टॉक के लिए PHOD और स्टॉक आइटम के लिए PSMM की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर 25 लाख रुपए तक से ऊपर का अगर आइटम है कोई खरीदारी करना है तो उसके लिए आपको AGM या CEO कंस्ट्रक्शन की पावर लगेगी, उनके अप्रूवल लेना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। ये कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स के लिए अप्लीकेबल है। क्या प्रोसेस होता है इसके लिए, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज मैंशन अबव प्रॉपर फाइल विल बी ओपन्ड, एक प्रॉपर फाइल बनाई जाएगी इसके अंदर में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी तरह से ले लिया गया, और उस फाइल के अंदर में NSR या ERM जो भी है वो उसके अंदर में रखा जाएगा। एक मिनट ठीक है। अब स्पॉट परचेज कमेटी बनाई जाती है, स्पॉट परचेज कमेटी में 3 ऑफिसर होंगे, 3 ऑफिसर यूजर डिपार्टमेंट का होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट का होगा और स्टोर डिपार्टमेंट का होगा, क्योंकि सारी खरीदारी स्टोर डिपार्टमेंट के ऑफिसर के थ्रू ही होती है। यूज़र अपना डिमांड देता है, मेहनत वही करता है सारी, और उसके बाद सीधा फाइल पूरी पकड़ाई जाती है स्टोर डिपार्टमेंट में, इसीलिए स्टोर डिपार्टमेंट का अधिकारी इसमें कन्वीनर का काम करता है। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट को उनके DRM CW PCMM नॉमिनेट करेंगे, अकाउंट के लिए DRM CW PFA नॉमिनेट करेंगे, और इंडेंटिंग डिपार्टमेंट के लिए HOD DRM या CWM उनको नॉमिनेट कर देंगे कि कौन अधिकारी मेरे यहाँ से रहेगा। स्टोर ऑफिसर विल बी एक्ट एज ए कन्वीनर टू द कमेटी फॉर स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम, स्टॉक और नॉन स्टॉक के लिए दोनों के लिए स्टोर डिपार्टमेंट का अधिकारी ही कन्वीनर का काम करेगा, क्योंकि खरीदारी उन्हीं के थ्रू होनी है, पूरा प्रोसेस उन्हीं को करना है, आप फाइल बनाकर उनके पकड़ा देंगे। इसके बाद कमेटी का लेवल क्या होगा, कौन कौन अधिकारी रहेंगे किस आइटम को खरीदने के लिए। अगर आइटम आपके पास 5 लाख रुपए तक का ही खरीद रहे हैं तो सीनियर स्केल ऑफिसर्स रहेंगे तीनों डिपार्टमेंट के, और 5 लाख से अगर 40 लाख रुपए तक के आइटम हैं तो उसके लिए JAG सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स लेवल की कमेटी बनेगी, तीनों डिपार्टमेंट का, अकाउंट का, इंडेंटर का और स्टोर डिपार्टमेंट का JAG ऑफिसर उसके अंदर में रहेंगे, और अगर 40 लाख रुपए से ऊपर का अगर आइटम है तो उसके लिए SAG ऑफिसर नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, और नॉमिनेट करने के लिए वही जो पहले बताया है, अगर ऐसे जो नॉमिनेट कर रहे हैं तो आपके PHOD या CHOD ही इनको नॉमिनेट करेंगे। अगर कहीं पर सीनियर स्केल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपका JAG या सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर को वहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा स्पॉट परचेज कमेटी में। और दूसरा, ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू अगर आप कई सारे आइटम खरीदने जा रहे हैं एक साथ में तो ये पर आइटम की वैल्यू नहीं है, ये टोटल आइटम जो आप खरीदने जा रहे हैं उन सब का मिला के जो कीमत बनेगा, जो वैल्यू बनेगी, वो लेवल तय करेगा कि किस लेवल पे आप जा रहे हैं। अगर आपने कोई 6-7 आइटम खरीदने हैं और आइटम सारे 5-5 लाख रुपए से कम के भी हैं, लेकिन टोटल वैल्यू अगर आप 30 लाख बैठती है तो वैल्यू 30 लाख पे जाएगा, और मतलब आपका JAG या सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर उसके अंदर में एज ए मेंबर रहेंगे कमेटी में, तब आपके सीनियर स्किल ऑफिसर नहीं रहेंगे भले ही पर आइटम कीमत 5 लाख से कम भी क्यों ना हो। अब उसके लिए क्या करते हैं, तरीका यही है, पहले जाके कमेटी परचेज मार्केट सर्वे करेगी, मार्केट सर्वे करने के बाद वहाँ पे देखेगी आइटम कौन सा है नहीं है, और दूसरा ड्यूली कंसिडरिंग द सोर्स इंडिकेटेड बाय द इंडेंटर, इंडेंटर ने जो आपको सोर्स बताए थे कि इन आइटम दुकानों पे जाके सामान मिल सकता है, उन दुकानों पे जाके आइटम को वो चेक करेंगे। शैल ऑब्टेन कोटेशंस फ्रॉम सुटेबल सोर्सेज,
ठीक, और कमेटी शैल गिव ड्यू रिगार्ड टू द कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी वाइल डूइंग स्पॉट परचेज। कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी वही है वित्तीय स्वामित्व के नियम, हम सब लोग जानते हैं इसके बारे में। मोटा मोटा इसका यही है कि आपको पैसा इस तरह से खर्चा करना है जैसे आप अपनी जेब का पैसा खर्चा कर रहे हैं, सरकारी पैसा समझ के इस पैसे को उड़ाना नहीं है। वित्तीय स्वामित्व के जो नियम हैं, जो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको रिगार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बताना पड़ेगा भाई अगर एक दुकान सस्ता मिल रहा था तो आपने महंगी दुकान से क्यों लिया, रीज़न बताना पड़ेगा उन सब चीज़ों का। तो गिव द ड्यू रिगार्ड ऑफ द कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। के बाद क्या करेंगे, जब आप हो गया इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल इफ रिक्वायर्ड कॉल फॉर शैल बी डन बाय द मेंबर ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। कमेटी विल ड्रॉ प्रोसीडिंग ड्यूली कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स लिस्टेड बिलो। इंस्पेक्शन वगैरह आइटम सही है कि नहीं है, ये सब चेक करने का काम इंडियन डिपार्टमेंट का या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। कमेटी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो भी आप काम कर रहे हैं पूरा नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइटम का डिस्क्रिप्शन, टेबुलेशन स्टेटमेंट, ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ऑफिसर्स ऑब्टेंड, क्या बातचीत हुई, रिकमेंडेशंस क्या हुई, यूजुअल टर्म कंडीशन अगर कुछ है वो लिखेंगे उसमें, कंसाइनी कौन है, डिलीवरी टर्म, डिलीवरी पीरियड और पेमेंट कैसे होगा, ये सब डिटेल उसके अंदर में प्रोसीडिंग्स जब आप पूरा लिखते हैं उसके अंदर डिटेल आपको देना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसीडिंग ऑफ द परचेज फाइनलाइज शैल नॉट रिक्वायर एनी फर्दर अप्रूवल। ये जो प्रोसीडिंग लिख रहे हैं इस पर किसी का अप्रूवल नहीं लेना होता है, लेकिन ये सब रिकॉर्डेड रखना है, क्योंकि अगर बाद में कभी कोई किसी तरह का केस करता है, विजिलेंस केस करता है या ऑडिट करता है, चेक करता है, तो उनको ये प्रोसीडिंग्स पूरा दिखाना पड़ता है कि हाँ इस तरीके से खरीदारी की गई थी। जो भी स्टोर डिपार्टमेंट जिस तरह बाकी खरीदारी करता है उन सब की प्रोसीडिंग्स वो रखता है फाइल बना के, इस तरह से इसको भी रखना पड़ेगा, ठीक है। सब ये हो जाता है उसके बाद आप उसको फर्म को पीओ जारी कर देते हैं कि हाँ हमारा आइटम, आपका आइटम किसी पर्टिकुलर फर्म को अगर बात कर रहे हैं तो उसको जारी कर दिया जाएगा ऑर्डर पीओ के केस में। और पीओ के केस में जो आप लिखते हैं पूरा डिटेल, वही डिटेल आप इसके अंदर में भी लिखेंगे, लेटर दे सकते हैं या पीओ दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक आइटम, टर्म कंडीशन, इंस्पेक्शन क्लॉज, डिलीवरी पीरियड, पेमेंट, और ये सब पूरी तरीके से एसपीसी के जो कन्वीनर रहते हैं उनके साइन से जाता है, क्योंकि वर्क ऑर्डर सॉरी परचेज ऑर्डर जो हमारे निकलते हैं वो भी स्टोर डिपार्टमेंट के साइन के थ्रू ही निकलते हैं, तो स्टोर डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा ही ये सारे के सारे यहाँ से लेटर या परचेज ऑफिसर पीओ जाएगा यहाँ से। अब ऑल डिसीजन इन द मैटर ऑफ परचेज विल बी टेकन बाय द कमेटी। कमेटी सारे डिसीजन, हर तरह का निर्णय कमेटी लेगी, कमेटी के विभाग आदमी नहीं लेगा, और लेकिन अगर उसके द्वारा माना दिया गया निर्णय ही फाइनल माना जाएगा, उसके अलावा अगर इनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट अगर होता है तो उसके लिए ऑफिसर्स के लेवल की कमेटी लेवल बनाया गया है कि अगर डिस्प्यूट होता है किस लेवल पर तो कौन ऑफिसर्स उसको क्लियर करेगा, डिसाइडिंग लेवल क्या रहेगा। अगर सीनियर स्केल लेवल की कमेटी में डिस्प्यूट होता है और एकमत नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए डिप्टी सीएमएम डिसाइडिंग लेवल रहेंगे, वो तय करेंगे, उनका निर्णय ही फाइनल माना जाएगा। और अगर जे जो सिलेक्शन ग्रेड लेवल पे डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके लिए सीएमएम डिसाइडिंग लेवल है, और अगर एसएजी लेवल पे आकर कोई डिस्प्यूट हो रहा है कमेटी में, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए पीसीएमएम महोदय डिसाइडिंग लेवल होंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य माना जाएगा। हो सकता है डिस्प्यूट हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। कैश पेमेंट को अवॉइड करना चाहिए, पेमेंट कैश ना हो इसका ध्यान रखा जाए, पेमेंट आपको चेक से या नेफ्ट के थ्रू ही करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सप्लाई रिपोर्ट ऑफ स्पॉट परचेज मे बी पुट अप टू द पीएचओडी सीएचओडी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट बाय द कन्वीनर। जब आपका स्पॉट परचेज खत्म हो जाता है, पेमेंट वगैरह सब हो गया उसको, उसके बाद एक रिपोर्ट फाइनल करेंगे, फाइनल बना के कंसर्न पीएचओडी या सीएचओडी को दिया जाता है, और ये आपका कन्वीनर महोदय करेंगे, अकाउंट स्पॉट स्टोर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होंगे वो रिपोर्ट बना के फाइनल करेंगे, और सारी की सारी खरीदारी आपकी 45 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 45 दिन का मतलब है 45 डेज, डेढ़ महीना। और अगर हम देखें स्पॉट परचेज का अगर जो उद्देश्य था हमारा वो इमीडिएट परचेजिंग था, तुरंत खरीदारी था, तुरंत में भी 45 दिन का समय दिया गया है, तो अगर 45 दिन में भी खरीदारी आप नहीं कर पाते हैं इसका मतलब अर्जेंट अर्जेंसी नहीं थी, आपको फिर से केस दोबारा करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा कंप्यूटर अथॉरिटी का, और इसमें कोई डाउट नहीं है, वो फिर से पूछेंगे पहले 45 में क्यों नहीं कर पाए भाई,
उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कोशिश नहीं, श्योर एंड सर्टेन है कि 45 के अंदर में इसको आपको ख़त्म कर देना पूरा स्पॉट परचेज खरीदारी प्रोसेस को, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है स्पॉट परचेज। स्पॉट परचेज में अगर किस तरह कोई कन्फ्यूजन है तो फिर देखा जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम लोग, तब हम बात करेंगे जैम के बारे में। आगे बढ़िए सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। जैम के बारे में कुछ आइडिया है, जैम क्या चीज है? जैम क्या जैम सर, गवर्नमेंट का जो परचेज होता है सर, निशिकांत सिंह बोल रहे हैं सर, गवर्नमेंट वाला परचेज जो होता है सर, वो एक है ऑनलाइन। ठीक, सही सुना है। ये जैम क्या है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट, अगर फुल फॉर्म देखा जाए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहलाता है। जो बाकी हम लोग जैसा खरीदारी करते हैं अपने घर के लिए ना, स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह का, इसी तरह का ये भी एक वेबसाइट बनाया गया है, लेकिन इस पर केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही खरीदारी कर सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कोशिश की गई है ताकि सारे जितने भी दुकानदार छोटे मोटे हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आया जाए, और कैसे करते हैं ज़रा खुल जाए। आजकल कंप्यूटर की स्पीड बड़ा धीमे हो रही है, ठीक है। हाँ अगर देखें हम यहाँ jam.gov.in करेंगे, आजकल नेट बड़ा धीमा चल रहा है, खोलने में बहुत टाइम लेता है। सभी लोगों को मिल गया है सर नेट, जैसा जिन लोगों को मिलती है। हाँ सभी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन स्पीड देना चाहिए ना। जैम की वेबसाइट का स्वरूप कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ये फोटो आ गया। क्या क्या आइटम है, मेडिकल है, सार्स है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, फायर सेफ्टी, कंप्यूटर, ठीक, ये सब और हर तरह की कैटेगरी इसके अंदर में आपको दिखाई देती है। अब तो सर्विसेज लेने के लिए भी रेलवे बोर्ड का पत्र आ गया कि सर्विसेज भी जैम पे अपलोड हैं, आप सर्विसेज के लिए भी आप यहीं से लेंगे। सर्विसेज मतलब क्या, मान लिया ये कैंटीन सर्विस आप लेना चाहते हैं तो भी आप जैम से ही टेंडर करवाइए। हर तरह की खरीदारी करनी पड़ती है जैम्स के थ्रू ही। अब जैम से खरीदारी करने के लिए तरीका वही है कि आप NSR वगैरह बनाइए, लेकिन जब NSR आप बना रहे होते हैं या तो प्रपोजल बना रहे होते हैं तो उसके लिए आप कहीं से बजटरी कोटेशन आप लेते हैं, तो बजटरी कोटेशन कहीं बाहर से ना लेके आपको यहीं से बजटरी कोटेशन एज ए ले उठा लेना है। मान लिया कोई कोई आइटम यहाँ से देखते हैं, कोई मान लिया मैं प्रिंटर देख रहा हूँ, कोई प्रिंटर 1108 एक है, एच पी 1108, अगर मान लिया मुझे ये प्रिंटर ख़रीदना है, मैंने इसको यहाँ से सर्च किया, अरे यार इतना धीमा है कैसे काम चलेगा, ये नो इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है। हाँ अब देखिए प्रिंटर मारा है तो कार्टेज निकल के आ गई पूरी, चले कार्टेज ही सही, मान लिया कार्टेज ख़रीदना है मुझे, तो यहाँ पे आप सर्च मारिए, सर्च मारने के बाद जो सामने रिजल्ट आया उस पर किसी पर सेलेक्ट करके जो आपको रेट सही लगे कि हाँ ये सही दे रहा है। अब देखिए एक आइटम 3120 रुपये का भी दे रहा है, 2750 का भी दे रहा है, तो आपको निश्चित तौर से आप 2750 वाले पे ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्यों खरीदेंगे। कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो ये पेज खुला इसी का प्रिंट आउट लेके आप एक मिनट जैसा। सर मॉर्निंग सर, अब ये कह रहे थे हमारे कोई कोर्स चल रहा है क्या वेल्डिंग? नहीं वेल्डिंग में अभी कोर्स नहीं चल रहा, वेल्डिंग में चलेगा अभी आ गया वेल्डिंग। सोरेन का पता लगा कि एक आदमी बाहर से आया है, क्या नहीं सर, वो जो अप्रेंटिस वाले आज ज्वाइन करने आज आने हैं ना बाहर से, जो यूपी के बाहर के लोग अप्रेंटिस को आज बुलाया गया है ना यहाँ पे आके भाई रिपोर्ट करके फिर क्वारंटीन होना 10 दिन के लिए, उसके लिए वो आया होगा बंदा। अभी हमारा कोर्स नहीं चल रहा, अभी तो सुपरवाइजर वाला संजय की तरफ से चल रहा है, TTC वाला चल रहा है। अच्छा, हाँ ये वो लोग आ रहे हैं अप्रेंटिस वाले लोग आ रहे हैं अभी। हाँ कोई आया अप्रेंटिस हमारा, एक आया है ना, एक रिपोर्ट किया हमारा, वही आप वही कह रहे होंगे, एक रिपोर्ट बाहर से, ये गया का है, गया का है ना, गया गया बिहार। अच्छा हाँ सर, ठीक ओके सर। बीच बीच में फोन आता है, उनको भी तो थोड़ा सा बताना पड़ता है ना, जरूरी है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो इसीलिए तो ये जैसा हमने देखा कि ये वाला जो पेज आ गया, बस इसी का प्रिंट आउट लीजिए
प्रपोजल बनाइए और यही एज ए बजटरी कोटेशन आप लगा देंगे और स्टोर को भेज देंगे, एक लाइन बीच में लिख देंगे कि खरीदारी जैम के थ्रू की जाए, बाकी काम पूरा स्टोर को करना है। ठीक है, आपको ये अलग से बस जैम पे खोजने वाला काम रहता है कि जैम पे खोज के आप पता लगा लीजिए कि आइटम उस पर अवेलेबल है भी या नहीं है, इसमें केवल इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इतना ही पता लगाने में हालत ख़राब हो जाती है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं जैम के, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप आइटम कहाँ से मंगा रहे हैं। इसमें अक्सर ये होता है कि जैसे ही आप जैम पे यूज़र बनाना पड़ता है, पहले तो यूज़र बनाएंगे, यूज़र बनाने के बाद बिल प्रोसेस भी आपके यूज़र के थ्रू ही होता है। जैसे ही आप अपने यूज़र पे जाके आप एक्सेप्ट करते हैं आइटम को, तो वही उसमें मान लिया जाता है कि ये आपका इंस्पेक्शन भी ओके हो गया और पेमेंट हो जाता है उसको। तो इसलिए जब जैम पे आप ख़रीदारी कर रहे हैं और अगर आपको मटेरियल एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है इस पर जैम पे, या मटेरियल एक्सेप्ट कर लीजिए आ गया है आपका, तो कहिए भाई पहले हम आइटम चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पेमेंट भी हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता है, और उसके आइटम खरीद ख़राब निकलता है, आप फर्म को खोजते रहिए मिलता नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरह से एक घटना हुई थी, प्रिंसिपल साहब के लिए हमने कार्टेज मंगाया था जैम के थ्रू, चार प्रिंटर पे लेज़र प्रिंटर है, उनके चार कार्टेज लगता है CYA था। उस समय जब आया था उस समय चेक नहीं किया था हमने कि जब आएगा जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे, तो कलर वाले तो ठीक निकलते हैं, लेकिन जब ब्लैक वाला लगाया तो ब्लैक वाले से प्रिंट ही नहीं निकल रहा था, पूरा वो पूरा वाइट वाइट पेज निकल के आया था। देखा तो पता लगा कि इसका जो चिप है इसके अंदर लगा वो चिप ख़राब है। अब फर्म को हम फ़ोन मिला रहे हैं, बंदा लगा फर्म पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाया, उसके बाद उसने स्विच ऑफ ही कर दिया फ़ोन, और स्टोर वाले भी लेटर लिख लिख के थक गए, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमको ये करना पड़ा कि उसको बुला के एक वेंडर से उसको रिपेयर करा के हमको यूज़ करना पड़ा। यूज़ किया हमने लेकिन रिपेयर करा के यूज़ करना पड़ा। तो इसमें ये सब दिक्कतें भी आती है, तो इसलिए इंस्पेक्शन करते समय खास ख्याल रखना पड़ता है और थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है, कौन आइटम दे रहा है पता नहीं लगता आपको। इवन जब इसके लिए आपके ऑफ़र जब TC के लिए आते हैं तो उसमें फर्म का नाम नहीं लिखा होता कि फर्म का ये कहाँ से ऑफ़र आया, खाली लिखा जाता है कि ये फर्म का नाम है, ये ऑफ़र है, ये फर्म का नाम है, ये ऑफ़र है, कहाँ से है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, आप इसलिए ट्रेस भी नहीं कर सकते। तो जैम से खरीदारी करने में थोड़ा सा होशियार रहने की आवश्यकता है। तो प्रोसेस वही रहेगा जो आप खरीदारी पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, जैम में अगर कुछ अगर जानना है तो फिर इसके लिए आगे फिर बताया जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें जैम का भी ख़त्म करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेंडर्स, टाइप्स ऑफ टेंडर्स, टेंडर्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं टेंडर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिटेड टेंडर्स के बारे में। लिमिटेड टेंडर क्या होता है, वेयर फॉर रीजन विच शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट इट इज़ कंसिडर्ड नॉट प्रैक्टिसबल और एडवांटेज टू कॉल फॉर ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर मे बी इन्वाइटेड विद अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, लिमिटेड टेंडर वहाँ निकालते हैं जहाँ आपको पता है कि कुछ चार पाँच फर्म में ही ये आइटम दे सकती हैं और इन्हीं से हमको लेना भी है, बाहर से जाना नहीं है, जल्दी आ जाएगा, तो प्रैक्टिसेबल नहीं है, एडवांटेजेस नहीं है बाहर से ओपन टेंडर को कॉल करना, तब आप लिमिटेड टेंडर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये रीज़न आपको जब फाइनेंस कंसल्टेंट्स दे रहे होते हैं उसी समय दिखाना पड़ता है कि हम इनसे लिमिटेड टेंडर करेंगे और इन्हीं फर्मों से मंगाएंगे। क्यों मंगाएंगे, ये रीज़न आपको देना पड़ेगा, भाई इन फर्मों से पहले मंगाया गया है, इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, बाहर से मंगाएंगे पानी कब आएगा, ये लोकल फर्में हैं जल्दी दे सकते हैं, कुछ भी आप रीज़न बता सकते हैं, जो भी देना चाहें, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा आपको स्टोर को। फॉर दिस पर्पज ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉन्ट्रेक्टर शुड बी प्रॉपरली मेंटेन एंड टेंडर कॉल ऑनली अमंग द कॉन्ट्रेक्टर बॉन्ड ऑफ द अप्रूव्ड लिस्ट। DLW में अप्रूव्ड लिस्ट कॉन्ट्रेक्टर्स की एक अप्रूव्ड लिस्ट है, आपके वेंडर उस लिस्ट में होने चाहिए, या कहा जाए उसी लिस्ट में जो वेंडर होंगे आपको उन्हीं से आइटम को मंगाना है, और ये लिस्ट आपकी एनुअली अपडेट होने रहती रहनी चाहिए। जो आइटम जो कंपनी अच्छा काम कर रही है उसको अपग्रेड करें, जो ख़राब कर रही है उसको ब्लैकआउट करके बाहर निकालना चाहिए, ये सब ग्रेडिंग अपग्रेड करनी, लोअर ग्रेड करना है, ये इसके अंदर में होता रहना चाहिए। ये अपने डिज़ाइन ऑफिस में एक लिस्ट रहती है इस तरह की। ठीक है, तो ये आपको लिमिटेड टेंडर में इस तरह से रहिएगा, जल्दी से बता रहे हैं, बहुत छोटा छोटा लिखे हैं इसलिए। अब बुलेटिन टेंडर, BT क्या कहलाता है, बुलेटिन टेंडर, बुलेटिन टेंडर वाज इश्यूड फोर्टनाइटली बेसिस। बुलेटिन टेंडर पहले न्यूज़पेपर में निकलता था, ये पहले होता था, अब तो होता नहीं है। न्यूज़पेपर में निकाला जाता था हर 15 दिन पे, 14 दिन पे निकाला जाता था कि कौन कौन से टेंडर हो रहे, इकट्ठे 10-12-15 टेंडर्स को इकट्ठा कर लिया और उनको एक बार न्यूज़पेपर में निकलवा दिया गया पूरा। इन वन बुलेटिन टेंडर मोर देन 25 आइटम्स वर इंक्लूडेड,
25 से ज़्यादा अगर आइटम रहेंगे वो एक बुलेटिन टेंडर में आप भेज सकते हैं, और टू ऑल फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड ग्रुप ऑफ द आइटम्स। 25 ज़्यादा आइटम अगर खरीदने हैं, 25 ज़्यादा टेंडर एक साथ हो गए हैं, वो आप बुलेटिन टेंडर में निकालेंगे और उसके बाद करेंगे। लेकिन ये सब IRPS आने के बाद से ये सब बंद हो गया है, क्योंकि अब तो ये बुलेटिन वगैरह कोई बात ही नहीं। जब भी कोई केस जाता है या जब भी कोई ऑफर जाता है, सीधे उसको IRPS अपलोड कर दिया जाता है। और अब तो दुनिया भर से, हर जगह से, पूरे इंडिया से उस पर लोग ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि ओपनली है, ओपन टू ऑल है, तो कहीं से भी इसमें टेंडर अपलोड किया जा सकते हैं। अब बात करते हैं एडवर्टाइज टेंडर या ओपन टेंडर की। ये क्या होता है? ATE इज नॉर्मली इशूड फॉर ऑल द टेंडर केसेज हुज वैल्यू इज मोर देन 25 लाख। 25 लाख रुपये ज़्यादा का आइटम रहेगा तो उसके लिए एडवर्टाइज टेंडर किया जाएगा। टेंडर कमेटी में वही तीन रहेंगे, स्टोर अकाउंट और कंज्यूमर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं। और ATE में टेंडर कॉस्ट की EMD लिया थी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, और EMD 2% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकता है। सक्सेसफुल बिडर सबमिट 10% एज ए सिक्योरिटी मनी। अगर सक्सेसफुल टेंडर जिसको मिल जाता है वो अपना सिक्योरिटी मनी 10% देगा टेंडर वैल्यू का। इसी तरीके से ग्लोबल टेंडर होता है। ग्लोबल टेंडर आपका दुनिया भर में दिया जाता है, जो आपका मान लो कोई आइटम मंगाना है जो आपके इंटरनेशनल ही मिलेगा, किसी देश, दूसरे देश में मिलेगा, विदेश में मिलेगा, तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर निकालते हैं। GT इन्वाइटेड बाई COSCMM विद प्रायर फाइनेंस कंक्रेंस। कंक्रेंस लेना पड़ेगा ग्लोबल टेंडर निकालने के लिए, और टेंडर नोटिस आपको फॉरेन एम्बेसीज में भेजने पड़ेंगे सभी देशों के, और साथ ही साथ में भारत के अंदर में विदेशी एम्बेसीज जो हैं उनको देना पड़ेगा। मतलब बाहर में जो है तो फॉरेन एम्बेसीज को देना पड़ेगा इंडिया के अंदर में, और बाहर में है तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसीज को देना पड़ेगा हर देश के, कि भैया कहाँ कहाँ पर आइटम मिल सकता है, ग्लोबलाइज को आइटम को कॉल करना है। टेंडर कॉस्ट और EMD आपको अप्रूवल ऑफ टेंडर के अनुसार लेनी है, जो ET के अनुसार आपको सब लेना है। EMD आप ले सकते हैं रुपीज़ में या डॉलर में, किसी में भी आपको लेने की छूट दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिंगल टेंडर के बारे में। सिंगल टेंडर कब करेंगे? सिंगल टेंडर आइटम जनरली होता है PSC आइटम के लिए, ठीक है। PSC आइटम, PSC मतलब प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट, जो केवल एक फर्म, फलाना फर्म ही दे सकती है, केवल वहाँ के लिए देना पड़ेगा। फॉर PSC आइटम COS हैज बीन एम्पावर्ड टू परचेज फुल पावर। COS फुल पावर परचेज के लिए रखते हैं, और एवरी ऑफिसर कैन एक्सेप्ट द टेंडर अप टू देयर पावर ऑफ द एक्सेप्टेंस। और पावर उनके हर ऑफिसर्स का अलग अलग लेवल पे पावर के वैल्यू दी गई है, कितने कितने पे लेवल पे एक्सेप्ट कर सकते हैं PSC आइटम के लिए। और नॉन PSC आइटम के लिए PSM को पावर 8 लाख रुपये तक के लिए, डिप्टी CMM के लिए 50,000 तक के लिए, SMM EM के लिए 25,000 रुपये तक की पावर दी गई है। फॉर केसेज बियॉन्ड पावर COS विल बी रिक्वायर फाइनेंस कंक्रेंस एंड GM अप्रूवल। COS की पावर के बाहर निकलने पे या PSM की पावर के बाहर निकलने पे फाइनेंस कंक्रेंस और GM का अप्रूवल चाहिए होगा PSC आइटम के लिए, नॉन PSC आइटम के लिए, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हमने, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपके PSMM CMM को 8-8 लाख रुपये की पावर है, डिप्टी CM 50,000, SMM 25,000 और AMM को 25,000 की पावर है। ड्रग और सर्जिकल आइटम के लिए भी सेम पावर है। और इन एमरजेंसीज अफेक्टिंग मेंटेनेंस, आउट ऑफ टर्न, ऑपरेशनल एक्सेट्रा के लिए PSM और CMM को 45 लाख रुपए की पावर है, और सेफ्टी और पैसेंजर नेसेसरीज के लिए 1-1 करोड़ तक की पावर PSM और CM को दी गई है आइटम। ये सारे के सारे जितनी पावर दी गई है ये लेटेस्ट SOP के अनुसार दी गई है, जो SOP 2018 में आई थी उसके अनुसार सर पावर दी गई है। सिंगल टेंडर इज आल्सो इनवाइटेड फॉर परचेज ऑफ स्टील आइटम फ्रॉम स्टॉक यार्ड एंड टिस्को, RINL एंड सेल। टाटा इस्पात स्टील कंपनी लिमिटेड और रेल इस्पात निगम लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सबको 100% एडवांस पेमेंट के बाद ही ये सब आपको आइटम सप्लाई करेंगे। इनकी मोनोपोली है स्टील, इनके अलावा कोई दे ही नहीं पाएगा, तो इनको 100% पेमेंट करेंगे तब आपको मिलेगा। इसी तरीके से ऑयल खरीदने के लिए, ऑयल के लिए BPC, HPC, IOC यही सब कंपनी आपको तेल दे पाएंगे, इनके अलावा कोई और दे नहीं पाएगा, इसके लिए भी आपको एडवांस पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन COS के लिए 10 करोड़, CMM के लिए 5 करोड़ और CMM के लिए
डिप्टी सीएम के लिए 45 लाख रुपये तक के आइटम का एडवांस पेमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंस कंक्रेंस और ये सब चीज़ लेना ही पड़ता है पहले। तो ये सब आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में बस इतना ही है, और अगर किसी को कोई सवाल है, डिस्कशन करना चाहते हैं तो माइक ऑन करें और कुछ पूछा जाए, बातचीत की जाए। है किसी का कोई सवाल तो बताएं। हेलो, हाँ हेलो सर, हाँ हाँ कोई सवाल है तो बताएं। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर, कैलाश सिंह नेटवर्क सर। ये अर्नेस मनी और डिपॉजिट मनी में क्या डिफरेंस है, और कैसे कैसे और कितना कितना खर्चा एस्टिमेट वैल्यू का? अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट मनी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना? हाँ यार, अर्नेस्ट मनी